हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, संडे आ चुका है, ना चुका है हमारा क्यू एन ए वीडियो। सो गाइस, क्यू एन ए के एपिसोड नंबर 214 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्म गर्म क्वेश्चंस का गर्म गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं व्हाइट डेविल, ये बोलते हैं डू यू थिंक आर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर गुड फॉर 3 to 4 years। अगर आप मुझसे यही क्वेश्चन 2 से 3 साल पहले पूछते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि भाई मीडियाटेक का चिपसेट लो। लेकिन 2021-2022 में तगड़े चिपसेट ला रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, डायमेंसिटी 920, डायमेंसिटी 1200, डायमेंसिटी 810 एंड अभी 9000 फ्लैगशिप सीरीज वाले प्रोसेसर भी आने वाले। मीडियाटेक इज जस्ट अमेजिंग, मतलब पहले के कंपैरिजन में डेफिनेटली आप ले सकते हो 3 से 4 साल, लेकिन अच्छे प्रोसेसर वाले फोन लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर रेड डॉट, ये बोलते हैं हाउ आर यू ब्रदर, आई एम फाइन। ओके भाई, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। ये पूछ रहे बेस्ट वन प्लस फोन अंडर 25,000, सजेस्ट मी अदर फोन अराउंड 25,000। तो वन प्लस की अगर हम बात करें, मैं बोलूंगा 2000 बढ़ा के ऑफर में वन प्लस नोट 2 के साथ में जा सकते हो, तगड़ा स्मार्टफोन है। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें, सैमसंग में जाना है तो सैमसंग M52 5G देख सकते हो, शाओमी में जाना है शाओमी 11i देख सकते हो, रियलमी में जाना है रियलमी GT मास्टर एडिशन या थोड़ा सी बढ़ा के रियलमी GT नियो 2 भी देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर लक्ष्य यादव, ये बोलते हैं पोको X4 प्रो स्नैपड्रैगन 870 के साथ 20K के अंदर आ सकता है क्या प्रैक्टिकली 5G के साथ? तो यार, पोको वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको 19,000 रुपये में 860 दिए थे, जब भी हमको लग रहा था यार कौन ही देगा, बट उन्होंने दे दिए। एंड स्नैपड्रैगन 870 को आके थोड़ा टाइम हो चुका है, तब और कुछ महीने जाएंगे तो और सस्ते में वो आपको मिलने लगेगा, मतलब ब्रांड्स को बेसिकली। तो यस, पोको है भाई, पॉसिबल है 20 से 21-22 हज़ार रुपये में, तो डेफिनेटली वो लोग पोको X4 प्रो में जो है 870 दे सकते हैं, वो भी 5G के साथ, अच्छे ब्रांड्स के साथ में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिस्टर इंडिया, ये बोलते हैं रियलमी 9 सीरीज या रेडमी 11 कौन सा लेना अच्छा होगा? बाय द वे, लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियो। भाई एक बार लॉन्च हो जाने दो, रियलमी 9 सीरीज भी आ जाने दो, रेडमी नोट 11 सीरीज भी आने दो, कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड कौन सा तगड़ा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर साबिर हुसैन, ये बोलते हैं भाई स्नैपड्रैगन 778G इस प्रोसेसर के बाद स्नैपड्रैगन का कौन सा पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च होगा? तो अगर आप 700 सीरीज की बात करो तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 780G या 85G ऐसा कुछ प्रोसेसर आपको 2022 में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रवीण वरंगल, ये बोलते हैं रियलमी GT मास्टर एडिशन वर्सेस शाओमी 11i विच इज बेटर टू बाय? दोनों अपनी जगह पर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको छोटा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, तो GT मास्टर एडिशन अच्छा है। एंड अगर आपको बड़ी स्क्रीन के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट एंड बाकी की सारी चीजें चाहिए, तो आप जो है शाओमी के साथ में भी जा सकते हो। दोनों अपनी प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिटमैन गेमिंग, ये बोलते हैं भाई बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 13,000, जस्ट नीड परफॉर्मेंस, बाकी कैसा भी हो, ऑल्सो लव फ्रॉम महाराष्ट्र, विटू फ्रॉम मुंबई। एंड अगर हम बात करें 13,000 रुपए में, तो रियलमी 8i के साथ में जाओ, आपको हीलियो G96 का चिपसेट मिलता है, इन्फिनिक्स का नोट 11s भी देख सकते हो, वो भी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएंगे अंडर 13,000 रुपीज में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आशीष कुमार, बोलते हैं नमस्ते भाई, भाई नमस्ते। एंड ये बोलते हैं शाओमी 11i एंड 11i हाइपर चार्ज के आगे रेट कुछ डाउन होगा क्या? तो रेट तो मतलब जो प्राइस पॉइंट है, जो ऑलरेडी मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे लोग ने लॉन्च करे, तो प्राइस पॉइंट ड्रॉप होना जल्दी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन बैंक ऑफर जैसे कि अभी मिल रहा है वैसा आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शिबा, ये बोलते हैं 22K में रियलमी GT ME खरीद लेना सही रहेगा या रियलमी 9 सीरीज का वेट करें? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो रियलमी GT मास्टर एडिशन है ना, एक्चुअल प्राइस पॉइंट 26,000 रुपये का है, तो 26,000 रुपये के हिसाब से उसमें स्पेसिफिकेशन रियलमी ने दिया है। जबकि 9 सीरीज की बात करें 20-22 हज़ार रुपये की रेंज में रहेंगे, तो उस हिसाब से रियलमी इस पर जो है स्पेसिफिकेशन वगैरह देगा। तो ऑफकोर्स GT मास्टर एडिशन बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू रियलमी 9 सीरीज से। तो अगर आपको अच्छा लगता है 22,000 रुपये का बजट है, ये 228 वाला किलर डील है, ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको वेट करना है, कैमरा वगैरह स्लाइटली बेटर या OIS वगैरह रियलमी 9 प्रो वगैरह में मिलने वाले बताया जा रहा है प्रो प्लस में, तो आप उसका वेट करो, अदरवाइज GT मास्टर एडिशन मेरे हिसाब से ओवरऑल बेटर डील रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं रामिया शाह, ये बोलते हैं भाई ऑनलाइन फोन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन? मैं मेरी बात करूँ भाई, मैं ऑनलाइन रिकमेंड करता हूँ और खुद भी ऑनलाइन परचेज करता हूँ। देखो पहले 5-6 साल 7 साल पहले की बात करूँ तो लोग डरते थे ऑनलाइन में आएगा साबुन निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन अब ऑनलाइन आप बोल सकते हो बहुत आसान हो चुका है। अब हर एक लोग यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। एंड ऑनलाइन फोन जो 20,000 रुपये में स्पेक्स दे रहे हैं, ऑफलाइन में जाओगे 30 में मिलता है। तो
तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन से। नेक्स्ट है यहाँ पर असलम सोनू, ये बोलते हैं हेलो ब्रो क्या हाल है, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोलते आई वॉन्ट टू आस्क दैट आई बॉट रियलमी नार्जो 50N ये अपने डैड के लिए लिया 9,500 रुपये में, इज दैट वर्दी फॉर दैट प्राइस, क्या कोई अच्छा फ़ोन ऑप्शन मिल सकता है क्या, लेकिन अब तो ले लिया तो भाई ने यहाँ पर ले लिए तो भाई पूछ क्यों रहे हो। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, 9,500 रुपये में आपके डैड के लिए काफ़ी सही स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग भी है, सही है। उसके अलावा अगर आप पूछते हो तो इन्फिनिक्स का हॉट 11S करके स्मार्टफोन है, ऑफर में 10 के अंदर मिल जाएगा, वो भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं किरण स्मार्ट टैक, ये बोलते हैं ब्रो आई बॉट अ शाओमी 11 Lite एनी 5G बाई एक्सचेंजिंग रेडमी नोट 9 प्रो, यानी उन्होंने इनको मिला है 12,700 रुपये में, गुड डील है या नहीं है, 3 साल तक के इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं, एंड ऑनेस्ट कंटेंट बोल रहे हैं, सो थैंक्स फॉर लविंग माई वीडियोज भाई, एंड 12,700 रुपये में Xiaomi 11 Lite एनी 5G एक्सचेंज के साथ में अमेजिंग डील है, इनसेन डील है, एंड आराम से 3 या 4 साल के लिए यहाँ पर ये फोन में अपडेट मिलेगा, Xiaomi ने प्रॉमिस करा है, आराम से यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रथमेश जमोड़कर, बोलते भाई आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली पूछ रहे हैं कि मतलब बेसिकली इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि 15,000 या उसके नीचे का जो बजट फ़ोन रहता है उसमें तो SD कार्ड स्लॉट रहता है, लेकिन यहाँ पर मिड रेंज में एंड आप बोल सकते हो प्रीमियम फ़ोन में SD कार्ड स्लॉट वगैरह क्यों नहीं रहता है 64GB इंटरनल होने के बावजूद। मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा इट्स जस्ट अ बिजनेस। देखो एप्पल ने अभी देखो चार्जर निकाल दिया, इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें सिर्फ नाटक है, लेकिन चार्जर वो लोग अलग से तो बेच रहे, पैसा भी अलग से ले रहे, तो ये बिजनेस करते हैं। अभी देखो एप्पल ने फिर से 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट निकाल दिया, एंड्रॉयड में भी फ्लैगशिप में देखोगे निकाल दिए, क्या 3.5 हेडफोन जैक की जगह नहीं बचती, बिल्कुल बचती है, लेकिन कंपनीज को TWS बेचना है, इसलिए वो लोग ने मतलब अभी मार्केटिंग एंड सारी चीजें कर रहे हैं। वैसे ही एसडी कार्ड में भी सेम है, प्रीमियम फोन में फ्लैगशिप में ट्रिपल कार्ड स्लॉट आराम से वो लोग दे सकते हैं, जगह बना सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल कार्ड स्लॉट फ्लैगशिप में दे दिए तो जो उनका 128GB है, 256GB है, 512GB है, वो कौन लेगा भाई, सब तो 1TB का एसडी कार्ड लेके लगा देंगे, तो मार्केट है भाई, उन्हें पैसा बढ़ाना है, उनको बिजनेस वगैरह करना है, इसलिए मुझ के जो है फ्लैगशिप में एंड प्रीमियम मिड रेंज में वो लोग एसडी कार्ड स्लॉट निकाल देते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल मन, ये बोलते कैसे हो सर जी, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले सर मुझे एक आईपैड लेना है 60K के अराउंड, तो मुझे अभी लेना चाहिए या फिर एप्पल के मार्च के इवेंट का रुकना चाहिए। देखो मैं सीधा बोलूंगा भाई, अगर आपको 60K तक के इतना हाई बजट है वेट कर लो, नई चीज आ रही है तो नई चीजों में आप इन्वेस्ट कर लो, लेकिन करंटली जो आईपैड का जो लाइनअप है अगर आपको सस्ते में ऑफर वगैरह में मिल रहा है तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा वेट कर लो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सूरत कुमार मिश्रा, बोलते भाई सैमसंग M33 5G का प्राइस क्या होगा, एंड बैंकिंग के लिए रेडमी के फोन ठीक रहेंगे सिक्योरिटी पर्पज से, तो M33 5G की प्राइस पॉइंट 20,000 रुपए के ऊपर 20 से 25 के बीच में देखने को मिलेगी, एंड रेडमी के फोन डेफिनेटली यार मतलब लाखों लोग इंडिया में जो है Xiaomi के फोन इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग वगैरह ऐप वगैरह जीपे एंड सारी चीजें यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलते ब्रो पोको X4 प्रो कब तक क्या आएगा और कौन से प्रोसेसर के साथ में आ सकता है, लीक्स की माने तो स्नैपड्रैगन 870 के साथ में ये बार आपको देखने को मिल सकता है, कब तक आएगा भाई वो पोको वालों ने अभी तक के कोई भी हिंट या लीक वगैरह नहीं आई है, पकड़ के चलो 2-3 महीने से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर विजू भाई, ये बोलते हैं रियलमी 9 प्रो का प्राइस क्या होगा इंडिया में, तो जो रियलमी 9 प्रो है वो बताया जा रहा है 20,000 रुपये के अराउंड मिलेगा, एंड जो प्रो प्लस है वो बताया जा रहा है 22,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शैलेश कुलाड़, ये बोलता है यासिर भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरे 15,000 से 20,000 तक के फोन लूँ, ऑलराउंडर फोन होना चाहिए, 128GB या 256GB, AMOLED डिस्प्ले भी चाहिए, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड भी चाहिए। देखो अगर आप डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट की बात नहीं करते, मैं बोलता भाई GT मास्टर एडिशन ले लो, ऑफर वगैरह में 22-21 में जबरदस्त डील है, बट एसडी कार्ड भी चाहिए, AMOLED भी चाहिए, ऑलराउंडर फोन भी चाहिए, 128GB भी चाहिए, तो रेडमी नोट 10 प्रो ही ऑप्शन बचता है, उसकी तरफ आप देख सकते हो, रेडमी नोट 11 सीरीज का वेट कर लो। नेक्स्ट है यहाँ पर मोमिन अहमद, ये बोलता है 5G 10K में कब तक मिलेगा, 2022 के मिड या एंड तक के आपको 110% है कि 10,000 रुपए के अंदर जो है 5G स्मार्टफोन इंडिया में मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं संजय ठाकुर, ये बोलते हाय यासिर भाई बताइए Realme 9 5G हमें इंडिया में कब तक के देखने को मिलेगा बताइए, और क्या हमें इसमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा बताइए। ओके भाई मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि Realme 9 5G देखो अभी करंटली जो Realme का इवेंट रहेगा फरवरी 10 के आसपास, उसमें आपको Realme 9 Pro मिलेगा, 9 Pro Plus मिलेगा, लेकिन जो रेगुलर वेनिला वाला Realme 9 5G रहेगा वो मे भी शायद आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है, एंड AMOLED डेफिनेटली उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पूछ रहे हैं यहां पर साथ, ये बोलते हैं भाई Samsung
गैलेक्सी A53 क्या क्या स्पेक्स होंगे एंड क्या ये एक्सिनोस 1200 पे होगा। तो लीक्स की माने तो डेफिनेटली एक्सिनोस 1200 पे यहाँ पर ये आने वाला है एंड ये चिपसेट कैसा परफॉर्म करेगा वो तो आने के बाद पता चलेगा। बाकी के स्पेसिफिकेशन वही 120 हर्ट्ज का आपका एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, A53S 5G SI डिजाइन वगैरह देखने को मिलेगा, IP68 की रेटिंग देखने को मिल सकती है, अगेन 4500 mAh के आसपास की बैटरी एंड 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको A52S 5G के कंपैरिजन में नहीं मिलेगा, सिर्फ चिपसेट जो है 778G की जगह पे आपको एक्सिनोस का 1200 वाला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ध्रुव, ये बोलते हैं यासर भाई मैंने 22K में Xiaomi 11i लिया हूँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि Realme X7 Max इससे बेटर अच्छा रहेगा हर मामले में, जब ऑफर में 22K में आता है तो क्या मैं कैंसिल कर दूँ Xiaomi 11i को, प्लीज टेल मी। देखो अगर आपको दिल नहीं लग रहा Xiaomi 11i अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई कैंसिल कर दो, X7 Max के ऑफर का वेट करो, उस पर ऑफर यार बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो अगर आपको बेटर चिपसेट चाहिए Dimensity 1200 एंड बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है मैं बोलूँगा कैंसिल कर दो, X1 Max का वेट कर सकते हो, जो अपना दिल कर मान रहे ना वही आपको यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अफसर पाशा, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 11 सीरीज कब आएगी इंडिया में एंड जो या 11i हाइपर चार्ज ही Note 11 था ये दूसरा आएगा। तो देखो जो चाइना में Redmi Note 11 सीरीज गई है वो इंडिया में Xiaomi 11i और हाइपर चार्ज के नाम से आ चुकी है, जो इंडिया में Redmi Note 11 सीरीज आएगी वो टोटली डिफरेंट रहेगी, वो रहने वाली ग्लोबल वाली, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड Redmi Note 11 सीरीज जो इंडिया वाली जो अलग यहाँ पर स्पेक्स के साथ में आएगी वो बताया जा रहा है फरवरी के मिड तक के आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आरजे राहुल, ये बोलते हैं हेलो सर कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये पूछ रहे हैं जो Redmi Note 11 Pro 5G की प्राइस क्या होगी एंड परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी। तो लीक्स की माने तो प्राइस पॉइंट जो अराउंड 20,000 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल सकती है एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट लीक है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन का 690 वाला 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, तो परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो ठीक ठाक देखने को मिलेगी। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो, कोई क्वेश्चन छूट गया कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो भेज सको कि नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।